हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और शायद खत्म भी हो जाएगा। दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट? अभी तक हमने अराउंड 15 वीडियोस बनाई है, राइट? 15 क्लासेस मैंने आपके लिए अपलोड करी डेली एट 7:30 PM और डेली सब बच्चों ने उसको बहुत एंजॉय किया। मुझे उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको हर चैप्टर की ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेगी। 100% चैप्टर मैंने आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर किया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये भी हम पूरा ढंग से समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ और आपको कहानी सुननी है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, एक ड्रॉअर है, ड्रॉअर का नाम आपको अच्छे से पता है, ड्रॉअर का नाम है पिंकू। पिंकू ने हमारा बहुत साथ दिया है पूरे चैप्टर में। क्या नाम है? पिंकू। पिंकू ने गुड सेल करे। किसको गुड सेल करे हैं जल्दी से बताओ? गुड सेल करे हैं मीमी को, ऑफ कोर्स, है ना? गुड सेल करे हैं मीमी को 10,000 रुपीज़ के। सेम एग्जांपल सर आपने हर क्लास में ले लिया ताकि आप रिलेट कर सको, राइट? 10,000 रुपीज़ के आपने गुड्स सेल करे हैं, ठीक है? और क्रेडिट पे सेल करे हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल करे हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। डेट हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2021, ठीक है? कितने टाइम पीरियड का बिल है? बिल है आपका 3 मंथ्स का। ओके, तो क्या हुआ? पिंकू ने बिल अपने पास ही रखा, किसी को नहीं दिया, ना डिस्काउंटिंग कराई, ना एंडोर्स किया और ना ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ। सिंपल अपने पास उसको बिल को रखा है। अब क्या हुआ? मैच्योरिटी आई। मैच्योरिटी डेट क्या होगी इसकी? 1 अप्रैल, 3 महीने, 4th of July 2021 आ गई, ठीक है? अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो। हुआ ये कि 4th of July को मीमी खुद से आ गई किसके पास? पिंकू के पास। खुद से मीमी चलकर आई पिंकू के पास और सुनो मीमी ने क्या कहा। मीमी ने कहा कि पिंकू भैया सुनिए, मुझे पता है कि आज वो डेट है जब मुझे आपको 10,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या प्लीज़ आप इस बिल को कैंसिल कर सकते हो। क्या बोला है मीमी ने? मीमी ने बोला है कि पिंकू भैया मैं आज आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो प्लीज़ इस बिल को कैंसिल कर दो और क्या प्लीज़ आप एक नया बिल बना सकते हो। क्या बोल रही है मीमी? मीमी पहली रिक्वेस्ट क्या कर रही है कि जो ये 3 महीने का बिल था इसको क्या कर दो, कैंसिल। तो इन शॉर्ट मीमी आज पैसे नहीं देने वाली, तो बिल को वो क्या करना चाहती है? बिल को वो डिसऑनर करना चाहती है, ठीक है? तो इसका मतलब बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि क्या प्लीज़ आप एक नया बिल बना सकते हो, 1 महीना मुझे और दे दो, मुझे 1 महीने का बिल आप और बना के दे दो, मैं 1 महीने बाद आपको पक्का 10,000 रुपीज़ की पेमेंट दे दूंगी। तो ये रिक्वेस्ट मीमी ने पिंकू से की है, तो सुनो पिंकू क्या कहता है। पिंकू कहता है ठीक है मीमी, मैं समझ सकता हूँ बिजनेस में लॉस हुआ है, आप मुझे पैसे नहीं दे सकती, तो ये बिल तो ऑफ कोर्स क्या हो चुका है? कैंसिल, मतलब डिसऑनर। ये बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर। मैं आपको एक नया बिल बना के देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको एक नया बिल बनाऊंगा 10,000 रुपीज़ का, चलो मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का और 1 महीने का बिल। लेकिन सुनो, पिंकू ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आप आज मुझे पेमेंट नहीं दे पा रहे और आज आपको पेमेंट देनी थी, आप मुझे पेमेंट 1 महीने बाद दोगे, तो मैं आपसे चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पेमेंट अब 1 महीने बाद मिलेगी, 1 महीना मेरी पेमेंट डिले हो गई है, तो आप सिंपली क्या करिए, आप मुझे इंटरेस्ट दे दीजिए 1 महीने का। तो जितना नए वाले बिल का टर्म पीरियड होगा जो कि यहाँ पे 1 महीना है, उतने टर्म का, उतने मंथ्स का मीमी को क्या देना होगा? इंटरेस्ट। पिंकू ने कहा क्योंकि भाई 1 महीना लेट पेमेंट मिलने वाली है, तो मेरा क्या फायदा इसमें, मुझे तो लॉस हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इंटरेस्ट। कितने महीने का? 1 महीने का। मीमी ने कहा मंजूर है, मीमी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मीमी ने कहा ठीक है मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। समझ में आया, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का रिन्यू होना, मतलब पुराने वाले बिल को कैंसिल कर देना और एक नया बिल बनाना, राइट? तो 4th of July को बना नया बिल। अब रिन्यूअल के केस में बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है, जैसे कि अब होगा क्या, मीमी देखो सुन लो, पहली चीज क्या कर सकती है मीमी, पहली चीज ये कर सकती है कि मीमी बोल देगी कि भाई जो इंटरेस्ट का अमाउंट आप मुझसे चार्ज करना चाहते हो, मान लो इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट आया 200 रुपीज़, कितना आया 200 रुपीज़, मीमी क्या बोलेगी, ऐसा करो आप इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है
क्या है इंटरेस्ट का अमाउंट मुझसे अभी कैश में ले लो। मिमी ने क्या बोला, मैं आपको एक महीने का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, अब क्या करो मुझसे एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो अभी ले लो भाई, ये लो। पिंकू ने कहा ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट आपको कैश में रिसीव हुआ है उसको ध्यान रखना है। रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही किसका है, इंटरेस्ट का। बाकी तो बिल बनाना है आपको, आसान है राइट। तो आपको ध्यान देना है क्या मिमी इंटरेस्ट कैश में पे कर रही है, कैश में पे कर रही है, उसकी क्या एंट्रीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर मिमी ने इंटरेस्ट कैश में पे नहीं किया तो वो क्या होगा, वो बिल के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ, सुन लो मेरी बात ठीक है। तो मिमी ने कहा कि जो ये 200 रुपीज का इंटरेस्ट है वो मैं अभी आपको पे नहीं कर रही, वो भी मैं आपको एक महीने बाद पे करूंगी। क्या बोला मिमी ने, मैं आपको ये इंटरेस्ट भी एक महीने बाद पे करूंगी। तो पिंकू क्या कहेगा, पिंकू कहेगा अच्छा ठीक है मिमी, मैंने आपकी ये बात भी मान ली, तो ऐसा करते हैं जो बिल बनाते हैं एक महीने का वो 10,000 का नहीं बनाते, वो 10,000 प्लस 200 का बनाते हैं, एक ही बार एक बिल बना लेते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं कि आपने मुझे 10,200 रुपीज देने हैं एक महीने बाद। क्या आपको समझ में आया? तो इंटरेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट मिमी को पे करना है अगर वो रिन्यूअल के टाइम पे ही पे कर रही है, मतलब उसी टाइम कैश में पे हो गया, तो उसकी एंट्री अलग होगी ठीक है। अगर कैश में पे कर दिया तो फिर बिल कितने का बनेगा, फिर बिल बनेगा 10,000 का, क्योंकि 200 इंटरेस्ट तो उसने पे ही कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट उसी टाइम पे हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर पिंकू क्या करेगा, इंटरेस्ट को भी वो बिल की अमाउंट में ऐड कर देगा और बिल बनाएगा 10,200 का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं आपको बोलूं जब रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट आएगा, जब रिन्यूअल का क्वेश्चन आएगा, तो डिसऑनर तक तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा ही चुका हूं, हाँ है ना। डिसऑनर की जितनी भी एंट्रीज हो सकती है, जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने आपको सब करा दिए है ना। तो डिसऑनर तक तो वह सेम एंट्री होनी है, वो बिल्कुल सेम एंट्रीज होनी है, बस एडिशनल दो एंट्रीज और होंगी, किसकी, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। एडिशनल एंट्रीज जो रिन्यूअल की होनी है, जो बहुत आसान है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा आसान है। तो हमारा आज ही रिन्यूअल खत्म होने वाला है राइट। तो फटाफट से क्या करेंगे हम, फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है, एक सेपरेट क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा ही दिया, एक क्वेश्चन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री होगी और ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी, आपको पक्का सब कुछ समझ में आने वाला है ठीक है। देखो फटाफट से क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना जरूरी है। देखो, ऑन 1st of May 2021 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹18,000 ठीक है। 3,000 वर पेड बाय मोहन इमीडिएटली, तो क्या हुआ, 3,000 तो उसने उसी टाइम पे कर दिए, एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 months बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय द रवि ठीक है। तो 18,000 के गुड सेल हुए जिसमें से 3,000 आपको उसी टाइम रिसीव हो गए, बाकी 15,000 के लिए आपने 3 month का एक बिल ड्रॉ किया। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल मोहन रिक्वेस्टेड रवि, तो हुआ क्या, मोहन ने रवि को रिक्वेस्ट किया, मोहन ने रवि को रिक्वेस्ट किया जो मैंने आपको बताया, टू कैंसिल द ओल्ड बिल। मोहन ने कहा प्लीज ओल्ड बिल जो है, जो पुराना बिल है उसको कैंसिल कर दो, एंड अ न्यू बिल अपॉन हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, वो कह रहे हैं 2 महीने का एक नया बिल बना दीजिए प्लीज। हुआ ये उसके बाद कि वो मान गया कि मैं रवि को 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ ठीक है। तो मोहन ने क्या बोला, आप 2 महीने का बिल बना दो, लेकिन मैं आपको 2 महीने के लिए वो जो 12% का रेट आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। और रवि एग्री हो गया, रवि एग्री टू मोहन रिक्वेस्ट, मोहन ने जो रिक्वेस्ट करी थी उसके लिए रवि एग्री हो चुका है, और ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल बना लिया गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको ब्रेक करके चलेंगे। सबसे पहले हम करते हैं डिसऑनर तक, उसके बाद आएंगे रिन्यूअल पे ठीक है। फटाफट से सबसे पहले हम किसकी बुक्स बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे रवि की। तो दिस इज रवि, रवि का जर्नल है ठीक है। रवि ने सबसे पहले क्या किया, गुड्स को सेल करा है 1st of May 2021 को। तो 1st May 2021 गुड्स को सेल करा, किसको करा है, मोहन को। यहाँ पे आपको कैश रिसीव हुआ है 3,000 का, पहली बात तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 से, बाकी 15,000 आपको रिसीव नहीं हुए तो आप उसका डेटर बनाओगे, दैट इज मोहन। मोहन को आपने डेबिट किया कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया 15,000 राइट। और आपने टोटल सेल्स कितने की करी है, 18,000 की। बहुत सिंपल सी एंट्री है, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 3,000 आपको उसी टाइम रिसीव हो गए सेल के टाइम पे,
डेबिट कर दिया, 15,000 नहीं हुए तो उसका डेटर बनाया और सेल्स आ गया 18,000, राइट। उसके बाद 15,000 के लिए आपने एक बिल ड्रॉ किया है जिसकी एक्सेप्टेंस आपको उसी टाइम पे मिल गई है, ठीक है। तो 1 May 2021 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हाउ मच अमाउंट, 15,000, क्योंकि 15,000 ही मोहन ने देने थे टू मोहन, मोहन का अकाउंट हमने बंद कर दिया 15,000 से, राइट। इसके बाद क्या बोला उसने, इसके बाद बोला कि मैच्योरिटी पे मोहन पहुंच गया रवि के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बिल था, जो हमारा 3 months का पीरियड का बिल था 15,000 का, वो तो हमारा पक्का से क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, उसको डिसऑनर करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या यहाँ पे आपको कहीं भी नोटिंग चार्जेस दिख रहे हैं? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्या आपको नोटिंग चार्जेस लिखे हुए दिखे? नोटिंग चार्जेस नहीं दिखे। उसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है मुझे? उसके पीछे का रीजन ये है कि नोटिंग चार्जेस आप कब पे करते हो? नोटिंग चार्जेस आप तब पे करते हो जब आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हो, ठीक है, वो प्रोटेस्ट बनाते हो, जो सर्टिफिकेट होता है, सारे फैक्ट्स लिखवाते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रवि खुद ही आ गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो ड्रॉई है वो खुद आ गया रिक्वेस्ट लेके कि यार मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, प्लीज 2 महीने का बिल बना दीजिए, तो आपको नोटरी पब्लिक के पास जाने की शायद जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना, जरूरत तो पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो ड्रॉई है वो आपके पास आ गया एक रिक्वेस्ट लेके। आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हो ये प्रूफ करने के लिए कि भाई ड्रॉई पैसा नहीं दे रहा, ताकि आप कोर्ट में केस कर सको। लेकिन यहाँ पे कोर्ट केस की बात ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही कोर्ट केस की बात? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपको जो ड्रॉई है वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन 2 महीने बाद, तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आएंगे नहीं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दे रखे, तो घबराना नहीं है कि नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं है। नोटिंग चार्जेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो नोटरी पब्लिक के पास गया नहीं। अगर वो नोटरी पब्लिक के पास गया होता तो नोटिंग चार्जेस आपको मेंशन होते, उसी अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी होती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल को करेंगे डिसऑनर। तो 3 महीने का बिल है, 1 May को ड्रॉ हुआ था, 3 months का बिल है, तो जून जुलाई अगस्त, ये आ जाएगा 4th August 2021, करेक्ट। 4th अगस्त को आपने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर बहुत सिंपल है, आप दोबारा से मोहन का अकाउंट डेबिट कर दोगे, कितने से, 15,000 से, कि भाई 15,000 मैंने मोहन से दोबारा लेने हैं, और बिल डिसऑनर हो गया तो बिल को आपने कर दिया क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सी एंट्री, ये सुनो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने रिन्यूअल पे, जो समझनी है चीज़ें हमें वो अब समझते हैं। तो वो क्या है, आपको बोला क्या गया है कि भाई अब आप एक नया बिल बनाओ 2 महीने के लिए, जिसमें आप 12% पर एनम का इंटरेस्ट दे सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली चीज़ जो हमें सबसे पहला ट्रीटमेंट करना है वो इंटरेस्ट का ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरेस्ट का। पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, क्या इंटरेस्ट कैश में पे हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि इंटरेस्ट कैश में पे हुआ है? यस, देखो, ही फर्दर एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश। उसने क्या बोला कि उसी टाइम वो इंटरेस्ट को पे कर देगा कैश में। अगर कैश में उसने इंटरेस्ट पे करने के लिए हाँ कर दी है, उसकी एंट्री क्या होगी वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने का बिल है, 15,000 का, 15,000 का इंटरेस्ट का रेट है 12%। ये 12% तो पूरे साल के लिए होता है, आपको कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 2 महीने के लिए, क्योंकि जो नया बिल है वो 2 महीने के लिए बन रहा है, तो पेमेंट 2 महीने बाद आएगी। इसको आप हटाओ, कितना आ रहा है, 300, कितना आ रहा है, ये 300 आ रहा है, राइट। तो 300 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा मोहन को, और मोहन कह रहा है कि मैं आपको 300 का इंटरेस्ट तो अभी ही दे देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री कब हो रही है, 4th August 2021 को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट 300। बहुत सिंपल है, समझाने वाली बात ही नहीं है। और इंटरेस्ट जो है वो, मुझे एक बात बताओ, रवि के लिए क्या है, इनकम है या नहीं है? 100% इनकम है। अगर वो इनकम है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको करोगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 300। बस आपने क्या किया, इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया, यस और नो? लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरा ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा। दूसरा ट्रीटमेंट मतलब कि लेट से कि यहाँ पे अगर नहीं लिखा होता, क्या नहीं लिखा होता, कि कैश में पे हुआ, अगर ये नहीं लिखा होता कि मोहन इंटरेस्ट कैश में पे कर रहा है, तो हम क्या करते, तो सुनो मेरी बात, क्यों क्या करते, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें समझानी है, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता या कुछ नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे मेंशन क्या है कि अग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ इंटरेस्ट का रेट दे रखा होता, सिंपली आपको ये मेंशन होता कि इंटरेस्ट उसको देना है 2 महीने के लिए, है ना, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट वो कैश में पे नहीं कर रहा।
जब तक ये नहीं लिखा कि वो इंटरेस्ट कैश में पे कर रहा है, आपको क्या मानना है कि इंटरेस्ट वो कैश में पे नहीं कर रहा, अभी 2 महीने बाद ही पे करेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, देखो इंटरेस्ट रवि की इनकम तो है ही ना, तो इनकम तो उसकी रिकॉर्ड होगी, तो इनकम रिकॉर्ड होगी तो उसको तो आप क्रेडिट ही करोगे, इंटरेस्ट का अकाउंट तो क्या होगा, क्रेडिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको कैश में रिसीव नहीं हो रहा, आपको कैश में रिसीव नहीं हो रहा, तो आप क्या करते, आप दोबारा से मोहन का अकाउंट करते डेबिट। मोहन का अकाउंट आप डेबिट क्यों करते, मोहन का अकाउंट आप इसलिए डेबिट करते कि आप ये एंट्री से क्या दिखा रहे हो कि मैंने 300 रुपीज मोहन से इंटरेस्ट के भी लेने हैं। यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि मैंने एक तो 15,000 उससे लेने हैं, आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि मैंने 300 भी लेने हैं, लेकिन किसके, इंटरेस्ट के। सिंपल सी बात है, आपने मोहन को डेबिट किया, मतलब मोहन को अगेन आपने डेटर बनाया, डेटर के उसके बैलेंस में आपने 300 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या बात समझ में आई? तो अगर कैश में पे नहीं हुआ तो ये एंट्री, कैश में पे हुआ तो ये एंट्री, दोनों एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। तो इंटरेस्ट की एंट्री आपको करनी है सबसे पहले, उसके बाद बनेगा नया बिल। नया बिल बना है 2 महीने के लिए, ठीक है। सिंपली अब 2 महीने के लिए आप बिल बनाओगे 4th of August को, और एक्सेप्टेंस आपको रिसीव हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि भाई कैश में रिसीव हो गया, पहला केस, ठीक है। मैं आपको दोनों केस सिखाऊंगा, यहीं पे दोनों केस सिखा देता हूँ मैं आपको। मान लो सबसे पहली चीज कि आपको कैश में इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो अब आपने मोहन से कितने पैसे लेने हैं, सिर्फ 15,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको रिसीव हो चुका है, तो मोहन से आपने लेने हैं 15,000। तो जो बिल बनेगा वो आएगा 15,000 का। नया बिल बना और नए बिल की आपको एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई, तो BR2 मोहन, यही एंट्री करते हैं नॉर्मली कि बिल रिसीवेबल आपको रिसीव हो चुका है और मोहन जो आपने डेटर बना दिया था उसको आपने कैंसिल करा 15,000 से। ये एंट्री सबको आती होगी। लेकिन 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 अगर मैं आपको बोलूं, और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, और अगर 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 यहां पे वो कैश में पे नहीं करता, यहां पे वो कैश में पे नहीं करता, तो मुझे एक बात बताओ, आप बिल कितने का बनाते? आप बिल बनाते 15,300 का। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसने कैश में इंटरेस्ट पे नहीं किया तो आप क्या करोगे, उसके बिल में ही ऐड कर दोगे। आपने मोहन को डेबिट कितने से कर रखा है, तो देखो पहले आपने 15,000 से डेबिट कर रखा है, फिर आपने इंटरेस्ट के लिए 300 से डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब क्या कि आपको पैसे मिलने हैं, आपने मोहन से पैसे लेने हैं। टोटल पैसे कितने लेने हैं, 15,300। तो जो आप बिल बनाओगे वो 15,300 का ही बनाओगे, राइट। तो अगर इंटरेस्ट कैश में रिसीव नहीं होता तो हम एंट्री करते बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन कितना, 15,300। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस नो, क्लियर है, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन में मेंशनड है कि भाई द बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो मोहन ने मैच्योरिटी पे पैसे दे दिए हैं। 4th of August है, 4th of August, 2 महीने का बिल है। सितंबर, अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस के, 5, 6, 7, 7th of October इज द मैच्योरिटी डेट। आपको पैसे मिल गए, ठीक है। अभी हम अगर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको 15,000 मिलने थे, मान लो आपको 15,000 मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बहुत सिंपल है, रिन्यूअल बहुत ही आसान है, बस आपको इंटरेस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 15,000। और अगर सेकंड केस होता तो 15,300 आता। यस और नो, क्या आपको ये बात समझ में आई? सिंपली हमने क्या किया है, सिर्फ 2-3 एंट्री हमने एक्स्ट्रा करी है। एक तो पहले इंटरेस्ट वाली जो हमें सबसे पहले करनी है, इंटरेस्ट कैश में रिसीव हुआ तो एंट्री ये वाली होगी, और अगर नहीं हुआ तो ये एंट्री होगी। उसके बाद बिल आप बनाओगे, उसके एक्सेप्टेंस मिलेगी, बचपन से एंट्री कर रहे हो, और लास्ट में आपको अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो डिसऑनर के बाद आपने ये 3 एडिशनल एंट्रीज करी है जो बहुत ही आसान थी। तो रवि की बुक्स आई होप आपको क्लियर होगी होगी। फटाफट से बनाते हैं मोहन की बुक्स। तो देखो, तो ये हमारा आ गया मोहन, ठीक है। मोहन के बुक्स में एंट्रीज करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले ये गुड्स परचेज करेगा, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो। सबसे पहले इसने गुड्स परचेज करे हैं 18,000 के, 18,000 में से 3,000 की इसने पेमेंट कर दी थी और 15,000 की पेमेंट नहीं करी थी, ठीक है। 1st of May 2021 परचेजेस कितने के हैं, परचेज तो इसने 18,000 के ही करे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, जिसमें से इसने पेमेंट कर दी मतलब टू कैश कितनी, 3,000, टू कैश अकाउंट 3,000, और बाकी जो 15,000 है उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसलिए इसने रवि को बनाया अपना क्रेडिटर 15,000। क्या ये बात समझ में आती है, इजी था, राइट। इसके बाद ये बिल की एक्सेप्टेंस देगा सेम डेट पे, 1st May 2021, तो रवि का अकाउंट ये करेगा डेबिट टू बिल्स पेएबल। पहले की 2 एंट्रीज तो आई थिंक किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए, बाद की भी गलत नहीं होनी चाहिए, राइट। 15,000,
15,000 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सीधा आएगी मैच्योरिटी, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ था मैच्योरिटी पे 4th ऑफ अगस्त जो हमारी मैच्योरिटी थी, बिल ही सबसे पहले क्या होगा, कैंसिल, ये वाला बिल डिसऑनर होगा। तो 4th ऑगस्ट 2021 बिल को डिसऑनर करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सिंपली आपने क्या किया, ऊपर वाली एंट्री को उल्टा कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रवि, आपने दोबारा से रवि को क्या बना लिया, क्रेडिटर, कितने अमाउंट से, 15,000 से। चलो जी ठीक है, अब जब मोहन गया था अपनी रिक्वेस्ट लेके, क्या बोला उसने कि मैं इंटरेस्ट कैश में पे करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहन ने 4th ऑफ अगस्त को इंटरेस्ट पे किया था कैश में, याद आ रहा है, इंटरेस्ट पे किया कैश में। इंटरेस्ट जो है वो मोहन के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो है वो मोहन के लिए एक्सपेंस है, तो क्या होगा डेबिट, कितने से, 300 से। और कैश में पे किया तो कैश हो गया कम 300 से। ये कौन सी एंट्री, ये एंट्री जो हमने यहाँ पे करी थी कैश टू इंटरेस्ट वाली, यस और नो, सिंपल हमने एंट्री कर दी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊँ, यहाँ पे भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर ये कैश में इंटरेस्ट पे ना करता, तो अगर ये कैश में इंटरेस्ट पे ना करता तो ये क्या करता कि भाई 300 का मेरा एक्सपेंस तो है, 4th ऑफ अगस्त को मेरा 300 का एक्सपेंस बिल्कुल है। अगर ये पे नहीं कर रहा होता तो कैश की जगह ये क्या लिखता, कैश की जगह ये लिखता रवि। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाफट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं और करके लिख रहा हूँ, तो और करके मतलब सेकंड केस, ठीक है। इंटरेस्ट तो ये डेबिट करता ही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 से, और अगर इसने पे ना करे होते तो ये क्या करता, ये रवि को दोबारा से करता क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि इसने रवि को 300 का इंटरेस्ट और पे करना है। अभी यहाँ पे 15,000 से किया क्रेडिट, 15,000 तो पे करने ही है, और 300 इसने इंटरेस्ट के भी करने हैं, करेक्ट हो गया। उसके बाद जब नया बिल बना तो नए बिल की एक्सेप्टेंस देगा ये, तो उसकी एंट्री करते हैं, राइट। तो सेम डे मतलब 4th ऑफ अगस्त 2021 को इसने क्या किया, इसने बिल की एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है। तो क्या करेगा, रवि का अकाउंट करेगा डेबिट, रवि का अकाउंट करेगा डेबिट। अगर इसने इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया तो रवि को कितना पे करना है, 15,000 डेबिट, और 15,000 का ही बिल बना होगा, तो 15,000 आ गया बिल्स पेबल अकाउंट में, ठीक है, 15,000 करेक्ट है। अगर मैं आपको अगेन दोबारा से एक्सप्लेन करूं कि जो हमारा सेकंड केस होगा क्या होगा, सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, देखो सेकंड केस में जो हम बिल की एक्सेप्टेंस देंगे वो 15,000 की नहीं होगी, वो किसकी होगी, 15,300 की। क्यों, 300 रवि को इंटरेस्ट पे करना था, 15,000 का बिल था, तो रवि क्या करेगा, जो बिल बनाएगा वो 15,300 का बनाएगा, तो रवि को आप डेबिट करोगे कितने से, 15,300 से। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट आपने कैश में नहीं करी है तो रवि का अकाउंट डेबिट 15,300, बिल्स पेबल आपने किया क्रेडिट अगेन 15,300। क्या ये बात समझ में आती है, ईजी है, राइट। उसके बाद इसकी मैच्योरिटी पे पेमेंट हो गई, मोहन ने पेमेंट कर दी है। मैच्योरिटी क्या आई थी, 2 महीने का बिल था, सेवन्थ ऑफ अक्टूबर को पेमेंट हुई है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अगर बिल 15,000 का बना था तो बिल पेबल अकाउंट कितने से होगा डेबिट, 15,000 से। 15,000 आपने किया डेबिट और कैश में कर दी पेमेंट, बिल्कुल सही। और अगर बिल 15,300 का बना था तो यहाँ आ जाएगा 15,300। क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, राइट। तो ये था हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि रवि ने बिल अपने ही पास रखा था, यस और नो। अगर रवि ने एंडोर्स कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, उसके केस में क्या होगा, क्या अब हमें उसको सोचने की जरूरत है, नहीं। आपको पता है एंडोर्समेंट के टाइम पे एंट्री क्या होती है, आपको पता है डिस्काउंटिंग के टाइम पे एंट्री क्या होती है, आपको इन सारे केसेस के डिसऑनर की एंट्रीज पता है। तो जो मर्जी केस वो आपसे पूछ ले, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना, पहले ये फिर ये फिर ये, एंट्रीज सारी की सारी आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, और वो हम करने वाले हैं लाइव, ठीक है। तो लाइव प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं, और हो सकता है वो थोड़ा बड़ा सेशन हो, लेकिन उस सेशन में हम जितने भी आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो डीके के हो सकते हैं, टीएस ग्रेवल के, एनसीईआरटी के, वो सारे हम करेंगे सॉल्व, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, सो दैट उसी दिन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लाइव में कब आने वाला हूँ वो सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और कम्युनिटी टैब में दे दूंगा, अपडेटेड रहना, चेक करते रहना चैनल को, लाइव जरूर ज्वाइन कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, कहीं भी जरूर पूछ लेना मुझसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।